नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कानपुर से बड़ी खबर है, पुलिस कमिश्नर से मिले हैं एसपी विधायक इरफान सोलंकी। अमिताभ वाजपेयी हसन रूनी में भी मुलाकात की है। कानपुर हिंसा मामले में ज्ञापन सौंपा गया है और एकतरफा कार्रवाई को लेकर शिकायत की गई है। दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ नहीं की गई है कार्रवाई, ऐसा कहा गया ज्ञापन में, और मुस्लिमों पर पत्थरबाजी करने वाले गिरफ्तार हों ये मांग है। तो कानपुर से बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर से एसपी विधायकों ने मुलाकात की है। इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी, हसन रूमी ने मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है। एकतरफा कार्रवाई को लेकर शिकायत भी की है। कहा गया कि दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है, मुस्लिमों पर पत्थरबाजी करने वाले भी गिरफ्तार हों, और एसपी की यह तमाम विधायकों की तरफ से ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर पत्थरबाजी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का एसपी के विधायकों ने आरोप लगाया है। कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपा है इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी ने, और मांग की है कि मुस्लिमों के ऊपर पत्थरबाजी करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो। एक तरफा कार्रवाई को लेकर उन्होंने शिकायत की है और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है उसको लेकर भी इन्होंने शिकायत की है। कहा कि मुस्लिमों पर पत्थरबाजी करने वाले भी गिरफ्तार हों। तो पुलिस की तरफ से लगातार कानपुर दंगे को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 54 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी तरफ लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, कई सारे कनेक्शन भी निकलकर सामने आए। वहीं अब इसको लेकर सियासत होती भी साफ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मुस्लिमों के ऊपर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। ज्ञापन में ये तमाम मांगे रखी गई है। सजा के लिए एक कानून बनाए, दफा बनिए और उस दफा में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 307 अगर आपने किसी को गोली मारी नहीं मरा, 302 अगर कोई मर गया, तो ऐसे पत्थर मारने के लिए भी सजा है। तो पत्थरबाजों के लिए जो कानून है उसके। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दी। कानपुर हिंसा के बाद नोएडा में अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा पुलिस कर रही है लोगों से अपील, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एहतियात बरतने की अपील पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। धारा 144 का पालन करने की भी अपील की गई है। तो कानपुर हिंसा के बाद अब नोएडा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। नोएडा पुलिस लगातार व्यापारियों से, लोगों से मिलकर अपील कर रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। धारा 144 का पालन करने की भी लोगों से अपील की जा रही है। नोएडा पुलिस की तस्वीरें हैं जो व्यापारियों से मुलाकात करके उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो कानपुर हिंसा के बाद नोएडा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। तुम्हारा सम्मेलन विधिपुरुष सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। यहाँ धारा 144 लागू है। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। नहीं भागोगे तुम पर पुलिस कार्रवाई होगी। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे